24 जनवरी मंगलवार को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में देर शाम एक 5 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग गिर गई थी। घटना के बारे में एनडीआरएफ को जैसे ही सूचना मिली, कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम को उप कमांडेंट अनिल कुमार पाल के अगुवाई में क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र लखनऊ से घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना किया गया। घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम ने खोज राहत एवं बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को गोरखपुर एवं वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना किया गया। एनडीआरएफ की सभी टीमों ने जरूरी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं ऑपरेशन को शुरू किया। एनडीआरएफ के जवानों ने लगातार अथक प्रयास करने के बाद देर रात तक 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसमें 2 महिलाएं एक पुरुष शामिल है। सभी को अग्रिम उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया। घटना स्थल पर गिरे मलबे के नीचे दबे लोगों की आवाजें एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों को सुनाई दे रही थी, लेकिन उन तक पहुंच बनाने के लिए बचाव कर्मियों ने बड़ी सावधानी और दक्षता के साथ बचाव कार्य जारी रखा और उनसे बात कर सुरक्षित निकालने का भरोसा दिलाया। लगातार सुबह तक चले बचाव अभियान में कटिंग उपकरणों के माध्यम से पहुंच बनाकर 2 और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। इस बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ के टीमों द्वारा कुल 5 लोगों को सुरक्षित जीवित बाहर निकाल लिया है। सूचना मिलने तक घटनास्थल से जीवित निकलने वालों की कुल संख्या 14 हो गई है। एनडीआरएफ का खोज बचाव अभियान लगातार जारी है। मेरे ऊपर ये वजन किसने दे रखा है? अरे रुको सर, रुक जाओ, हाँ रुको, काटने दो उसको गद्दा, ये गद्दा सर पूरा वहाँ से थोड़ा सा ऊंचा है ना, इसको खींचो, खींचो नहीं खींचो मत, हाँ खींचो ऐसे निकालना है सर। रुके